लखनऊ के नेहरू भवन यानी कांग्रेस दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हद को पार कर गया। प्रियंका से मिलने की हसरत लिए कार्यकर्ताओं ने रोके जाने की शिकायत की और हंगामा खड़ा कर दिया। कांग्रेस मुख्यालय में हंगामा दिखाई दे रहा है और यहां पर आप देख सकते हैं कि जहां एंट्री है, जहां लोगों को मिलना है, वहां पर रोके जाने से कई लोग नाराज हैं और कांग्रेस के लोग बकायदा नारेबाजी कर रहे हैं। लगातार लोगों को फॉर्म के साथ अपने नाम और पते के डिटेल के साथ मिलना होता है और इसे लेकर के जो कार्यकर्ता हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा गुस्सा आया है। इससे पहले प्रियंका के लखनऊ दफ्तर में आते ही बाहर कांग्रेस का जमावड़ा लगने लगा था। लखनऊ के कांग्रेस कार्यकालय में प्रियंका गांधी वाड्रॉट ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठकें ले रहे हैं और बैठकों का दौर शुरू हो गया है। यहाँ पे आप देखिए तो फर्स्ट फ्लोर पे प्रियंका गांधी वाड्रा सिंधिया के साथ चर्चा कर रही है, राज बब्बर भी है और लगातार जो है बैठकें होनी हैं। प्रियंका गांधी जयपुर से लखनऊ लौटी और अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ ताबड़तोड़ बैठक शुरू कर दी। सबसे पहले जितिन प्रसाद के लोकसभा क्षेत्र धौरहरा की बारी थी जहां से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। ये दिखा रहा है कांग्रेस की और खासतौर से राहुल जी और प्रियंका जी की मंशा कि जमीनी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया जाएगा। चार दिन इस बिल्डिंग के अंदर लखनऊ में प्रियंका जी रहेंगी जहां पर कांग्रेस की रणनीति, विचार विमर्श, आदान प्रदान, कार्यकर्ताओं की भावनाएं वो समझ के फिर मैदान में निकला जाएगा। प्रियंका के आने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह कई गुना बढ़ गया। लखनऊ दफ्तर के बाहर उनका जमावड़ा लगा है। बालकनी पर प्रियंका के आते ही कार्यकर्ता उनके लिए नारे लगाने लगते हैं। प्रियंका को आवाज लगाई, प्रियंका आई तो बाहर, अरे इतनी खुशी हुई, 2 किलो खून बढ़ गया बेटी, देश मेरा बच गया, मुझे ताकत मिल गई बुढ़िया को। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले यूपी में प्रियंका की एंट्री से हलचल मच गई है। राहुल गांधी ने माया अखिलेश के सम्मान की बात तो की लेकिन ये भी साफ कर दिया कि कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। इस बीच बीजेपी की नजर भी प्रियंका गांधी पर है। प्रियंका के रोड शो पर उनके नेता तंज कसने से नहीं चूके। तो बीजेपी के लिए ये मत पूछो नहीं कौन कहाँ दौड़ा कर रहा है, कौन कहाँ रोड शो कर रहा है। हमारा तो मंडल स्तर का कार्यकर्ता भी निकल जाता है तो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। ऐसे हमलों का जवाब प्रियंका से मिलने की उम्मीद की जाती है। राहुल ने फ्रंट फुट पर खेलने का दावा किया है और वो बीजेपी पर हमले भी कर रहे हैं लेकिन प्रियंका अब तक खामोश हैं और इस खामोशी के टूटने का इंतजार है। मौसमी सिंह के साथ कुमार विक्रांत, लखनऊ।